नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे नदी का आता जा रहा, विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों अपने अपने क्षेत्रों में खूब पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। वहीं बड़गांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कांग्रेस का प्रचार प्रसार की। वही दूसरी ओर मांडर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी कांग्रेस के सनी टोपोर भी अपने क्षेत्र में चुनावी दौरे में खूब पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। से जानेंगे किस प्रकार से ये चुनावी यात्रा कर रहे हैं अपना। सनी जी, आप किस तरह से अपना चुनावी यात्रा कर रहे हैं? अपनी चुनावी यात्रा डोर टू डोर कर रहे हैं, पंचायत वाइज भी कर रहे हैं, और हमारी महिला टीम समूह है वो भी घूम रहे हैं, और प्रखंड की जितनी कमेटी है सब डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बल्क में मीटिंग किया जा रहा है, जिस पर मंडल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन कर दिया निश्चित ही। अब किन मुद्दों को लेकर मांडर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और साथ ही साथ विकास के मुद्दे। और अब कांग्रेस में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो पार्टी आप ही को टिकट क्यों दी? पार्टी मुझे टिकट क्यों दी? इसका बहुत सारे प्रत्याशी थे, संगठन से हम लोग जुड़े हुए, हम एक छोटा सा संगठन में एक कार्यकर्ता थे, और पार्टी इस उम्मीद से दी है कि नौजवान हैं, युवा हैं और क्षेत्र को बड़ी भांति जानते हैं, और क्षेत्र के हर समस्या से मैं यहाँ का स्थायी निवासी और मंडल विधानसभा की जनता सारी समस्या चुकी है। आप पंचायत पंचायत जाके भ्रमण कर रहे हैं, तो धरातल में कितना विकास आप देखे हैं? पंचायत पंचायत जाके मैं देख रहा हूँ, धरातल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, एकदम जीरो है। जीरो रहने के कारण ही इस बार भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने डर से अपना कैंडिडेट ही चेंज कर दिया, तो विकास एकदम जीरो है। जमशेदपुर पूर्वी निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय भी इधर जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सरयू राय महान है, सरयू राय महान है, सरयू राय।